स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलने के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल है। प्रदेश के कोने कोने में भाजपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीट में से 7 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मालवीय चौक पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत पर मिठाइयां बांटी और आसमान पर शानदार आतिशबाजी की। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 162 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा की इस शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश का विकास अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो भाजपा है। 2003 के बाद भाजपा को ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जबलपुर की 8 में से 7 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत हमारी मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसके कारण, शिवराज जी की जो योजनाएं हैं उसके कारण जनता ने आशीर्वाद दिया है। और जबलपुर की 7 सीट पे विजयी हुई है उसके लिए हम जबलपुर शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं दीपांकर बैनर्जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी, और सबको आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मीडिया के बंधुओं को भी, और सबका भी हम आप लोगों का सबका मुँह मीठा कराएंगे। मध्य प्रदेश में आज ऐतिहासिक दिन है। 2003 के बाद जिस तरह से एक प्रकार यदि कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में सुनामी लहर है तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। मुझे लगता है 20 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए, विशेषकर बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उनके सम्मान के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर जिस तेज गति से आगे बढ़ा और डबल इंजन की सरकार 2014 में जब बनी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का जब संरक्षण भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से मिला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय बी डी शर्मा जी, एक संयुक्त रूप से जो रणनीति बनी उसका एक सुखद परिणाम आज मुझे देखने को मिल रहा है, जो हम सब पूरे मध्य प्रदेश देख रहे हैं कि कभी हमने इतनी अपेक्षा नहीं की थी कि जबलपुर शहर की 7 विधानसभा लगभग 30+ हैं, सब 30,000 से ऊपर की है। संतोष बरगड़े जी हमारे 44,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा कटनी पूरा का पूरा कांग्रेस साफ हो गया, नरसिंहपुर जिला पूरा का पूरा कांग्रेस साफ हो गया, जिधर भी नज़र घुमाओ आप। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने निश्चित रूप से अपने भैया को चुना, अपने भाई के प्रति विश्वास व्यक्त किया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से अच्छे काम कर रही थी उसके प्रति मध्य प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया और उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर जा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जा सकता है। मध्य प्रदेश की बहनें बेटियों को लगता है कि यदि हमारा सम्मान, हमारी सुरक्षा और हमको सम्मान के साथ जीने का अधिकार कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकता है। ये जो संयुक्त रूप से सारी बातें, विकास और सम्मान, सारे लोगों ने मिलकर जो विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी पर, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लगभग 160+ की जो रुझान हम सबके सामने आ रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आगे विकास के काम करेगी। कांग्रेस दूर दूर तक मुकालते में थी, कांग्रेस ने लगातार भ्रम की स्थिति फैलाने का भी काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार थी, उन्होंने केवल और केवल कमल को चुना, भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी पर अपना विश्वास व्यक्त किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके लगातार परिश्रम से, अथक प्रयासों से पिछले 6 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे माताएं बहनें, हमारे सारे कार्यकर्ता जिस तरह के साथ लगे थे, मीडिया के सारे मित्रों ने जिस तरह से सहयोग किया उसके लिए मैं मीडिया के भी मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही मध्य प्रदेश की जनता का, भाइयों बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन, स्वागत, धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।